बेटास जो है बीमार हो जाते हैं तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है उनके पास बेटा मर जाता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या वो बीमारी होती है उन लोग को बेटास को, और क्या क्या इसका इलाज है, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या, मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर से एक बार हमें फेलिक्स एक्वेरियम में और हम सबके चाहते आरिफ भाई हमारे साथ में, और आज हम उनके शॉप में आए जानने के लिए कि बेटा फिश जो है उसको कौन कौन से टाइप के डिसीजेस होते हैं, और अगर डिसीजेस होते हैं तो उनकी केयर हमने कैसे लेना है। और इनके पास में ऑलरेडी आप देख सकते हो कि बेटा फिश का बहुत सारा कलेक्शन होता है। इनके पास में 150 रुपये से 300 रुपये तक के फिश मिल जाती है बेटा फिश में, और इनके यहाँ का जो फिश रहता है वो ऑलवेजी हेल्दी ऑलवेजी मेंटेन करते हैं आदि भाई, और वो खुद मेंटेन करते हैं। अगर कुछ डिसीज वगैरह हो जाता है तो उसके बारे में लोगों को भी बताते हैं कि उनको कैसे मेंटेन किया जाए और उनको कैसे हेल्दी रखा जाए। तो आदि भाई, डिसीज और ट्रीटमेंट के बारे में आज हम बताने वाले हो। आज का सब्जेक्ट हमारा ये है डिसीज एंड ट्रीटमेंट के ऊपर, बेटास के ऊपर। बेटास जो है बीमार हो जाते हैं तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है उनके पास बेटा मर जाता है। मेरे पास काफ़ी लोगों ने बाय करने के बाद भी उनके बेटास मर चुके हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये सब्जेक्ट है मेरा आज का। तो मैं आप लोग को बताऊँगा इसके अंदर क्या क्या वो बीमारी होती है उन लोग को बेटास को, और क्या क्या इसका इलाज है, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या, मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो आज भाई, पहला मैं डिसीज आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा कि बेटा जो होता है हम लेके जाते हैं वो कुछ दिनों बाद में हमें देखने मिलता है कि उसकी जो टेल है वो सिकुड़ जाती है। जैसे कि ये बेटा फिश है, इसका जो टेल है वो सिकुड़ गया है, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आरिफ भाई, ये क्यों होता है? एक्चुअल एक रीज़न ये है कि इसका जब आप ज़्यादा पानी चेंज कर लेते हो तो भी ये प्रॉब्लम हो जाता है कि फिन में अगर एकदम दबा लेता है वो, एकदम ठंड के मारे उसको प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा वाटर चेंज करने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। और सेकेंडली ये है कि भाई उसको ठंडी लगने की वजह से भी ये होता है। तो आरिफ भाई, हमने देखा अभी जो फिश जिसमें कि उसका टेल पूरा सिकुड़ चुका है, तो इसका तो रीज़न आपने बता दिया, बट इसको अभी हमें कैसे क्योर करेंगे उसके बारे में बताइए। देखो क्या होता है कि जब बीमारी आती है ना, तो बीमारी का उसका इलाज एक ही है कि उसको आप लोग को आलमंड लीफ का एक वाटर बना के, जैसे कि आप गर्म पानी में बॉईल करके आप इसको उसमें रखेंगे ना वो पानी के अंदर, तो आपका बेटा खुद ब खुद खुलना चालू होगा। बट इसके अंदर टाइमिंग प्रोसेस लगता है, ये नहीं कि आज जल्दी कल सही हो जाएगा, इसके अंदर 4 से 5 दिन या हफ्ता भर जाने के चांसेस है। तो इसके अलावा आप उसको दूसरा सेकंड में एक ट्रीटमेंट एक और कर सकते हो, अगर आप उसको हीटर लगा लेंगे हल्के टेम्परेचर में तो भी आपका बेटा खुलना चालू हो जाता है, पहले से वापस से उसी टाइप में आने के लिए स्टार्ट होता है। तो सेकंड में थर्ड में आपका ये आता है कि आप इसको नॉर्मली बोलते हैं ना एक एंटीबायोटिक्स वगैरह देके येलो लिक्विड में रख के भी आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, येलो लिक्विड भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। अभी जैसे कि ये बेटा फिश है इसके ऊपर में यानी फंगस आया हुआ लग रहा है, तो इसको कैसे क्योर करें? अगर फंगस आता है तो आप उसको मैथिलीन ब्लू यूज़ कर सकते हो, मैथिलीन ब्लू लिक्विड में आप उसको रखेंगे तो एंटी ईच है वो, प्रॉब्लम को जो है उसको निकाल लेगा। या फिर आपको तो मैंने बताया था कि एक वीडियो में कि आप उसको नमक का बाद देते हैं ना, नमक का बाद देना विद इन सेकेंड का, ओके समझे, विद इन सेकेंड में, हाँ सॉल्ट बाद देने का विद इन सेकेंड में आप देखिए तो भी उस बाद में उसको आपको एंटीबायोटिक्स में रखना है, उसको आलमंड लीफ के वाटर में रखेंगे तो भी चलेगा। आलमंड लीफ का वाटर आपको एक पतीले में आप उसको गर्म करना है, आप उसको बॉईल करना है काफ़ी टाइम तक, जितना गाढ़ा होगा उतना बेस्ट रहेगा, वो पानी आपको यूज़ करना है उसके लिए, तो वो भी आपके बेटा को काफ़ी हेल्थ अच्छी होगी उसकी। अगर आरिफ भाई हमारा बेटा फिश प्लांटेड टैंक में है और अगर उसको डिसीज हो गया है तो उसको कैसे क्योर करेंगे, प्लांटेड में मेडिसिन डालेंगे? प्लांटेड टैंक के लिए आपको पूरे बच्चे को आप ट्रीटमेंट प्लांटेड को नहीं कर सकते, एक्चुअल प्लांटेड के प्लांट्स खराब हो जाएंगे, तो आप लोग को इसके लिए उसको अलग निकाल के सेपरेट निकाल के उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो बेस्ट है। ओके, सेपरेट निकाल के एक मेडिसेशन टैंक में डाल के उसको, हाँ एक छोटे आप उसको नॉर्मली टफ में भी उसको आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हो, हीटर आपका नॉर्मली जिस टैंक में जिस साइज में बैठता है हीटर, छोटा साइज का हीटर आप उसमें लगा के उसको ट्रीटमेंट कर सकते हो। स्लिम ब्लैडर डिसीज, तो इसको कैसे क्योर करना है? स्विमिंग ग्लाइडर करके एक डिसीज जो होता है इंटरनल की वजह से होता है, मच्छी पलटी हो जाती है, मतलब उल्टा पुल्टा हो जाता है, या ज़मीन पे लेटती है या फिर ऊपर हवा में लटक जाती है, तो उसका भी इलाज है मेरे पास। कैसे क्योर करेंगे इसको? एक्चुअली इसके लिए आपको सबसे पहले खाना बंद करना है उसका, मच्छी का स्टॉप करना है, आप टेम्परेचर लगा दीजिए, हीटर लगा दीजिए उसके अंदर, आप उसके लिए मेट्रोजिल टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, मेट्रोजिल आई वी भी यूज़ कर सकते हैं इंटरनल के लिए, तो बेस्ट रहेगा, ये इलाज है उसके लिए इंटरनल के लिए, तो ये करने से हो जाएगा भैया, इंटरनल के लिए बेस्ट है। इसमें कॉमन में हमें जो फिनरॉट डिसीज देखने मिलता है तो उसको कैसे क्योर करें हम? फिनरॉट एक बीमारी है जो इंटरनल मतलब बाहर की तरफ से होता है, पैरासाइट की वजह से होता है, पानी खराब रहेगा उससे होता है, फंगस होता है जिसको फंगस बोलते हैं फिनरॉट को, वो आप एंटीबायोटिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिडॉल वगैरह यूज़ कर सकते हो या फिर टेट्रासाइक्लिन वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो उससे भी आपका फिनरॉट सही हो जाता है।
ओके, टेट्रासाइक्लिन टैबलेट डालना है अपने को। हाँ, टेट्रासाइक्लिन वगैरह यूज़ करके या फिर जनलेट का लिक्विड यूज़ कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स में, तो भी बेस्ट है, तो उससे भी हो जाएगा, उससे भी सही। लेकिन इन सभी प्रोसेस को थोड़ा 2-3 दिन का टाइम देना पड़ेगा। एक्चुअल क्या होता है, कुछ बीमारी जो जल्दी चली जाती है मच्छी के हेल्थ के ऊपर डिपेंड है भाई। इंसान अच्छा है तो जल्दी से क्योर हो जाएगा, इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर हेल्थी है मच्छी या फिर इंसान हेल्थी है तो वो जल्दी अच्छा हो जाता है। मच्छी बीमार है तो टाइम लगता है प्रोसेस में, कुछ मच्छी जल्दी अच्छी हो जाती है, कुछ को हफ्ता भर भी लग जाता है प्रोसेस के अंदर। वेलवेट होता है तो उसको कैसे क्योर करें हम? वेलवेट होने का रीज़न ये है कि भाई आपका वाटर क्वालिटी अच्छा नहीं है। सबसे पहले हर बीमारी का जड़ पानी, और जैसे इंसानों के लिए हवा, तो उसी तरीके से पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा तो ये बीमारी होती है। पैरासाइट होता है पानी के अंदर ज़्यादा, पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं है, जैसे एग्जाम्पल आप खाना डालते हो, खाना सड़ जाता है, उसके वजह से बॉडी के ऊपर वेलवेट आ जाता है। तो वेलवेट का इलाज भी एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं आप, उससे भी हो जाता है, या फिर आप रॉक सॉल्ट का बाथ दे सकते हो, उससे भी सही हो जाता है, या फिर आप पोटेशियम भी यूज़ कर सकते हैं हल्का सा 1 सेकंड के लिए, तो भी उससे भी ट्रीटमेंट हो जाता है। नमक बाथ सॉल्ट इसलिए बोला गया है कि जो बॉडी के ऊपर का जो है ना बैक्टीरिया उसको मार देता है। जैसे बहुत आप लोग ने सुने रहेंगे ना काफ़ी साल पहले कि नमक से टाँकी वॉश करो, नमक से टाँकी वॉश करो, जो भी पहले बहुत से लोग मछली आज भी खरीदते हैं, वही नमक के टाँकी से टैंक धुल के निकाल, नमक के टाँकी से टैंक धुल के निकाल, वो बैक्टीरिया मारने के लिए नमक काम करता है। तो आप उसके लिए, उसके बॉडी का बैक्टीरिया मारने के लिए विद इन सेकेंड का आप उसको नमक बाथ देना है, तो उसके बॉडी के ऊपर का बैक्टीरिया मरेगा। जिस तरह से आप टैंक का बैक्टीरिया मारते हो नमक के धुल के, उस तरह से आप उसका बॉडी का भी खत्म कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था व्हाइट स्पॉट के लिए ये एक मतलब एक इलाज बताया था नमक का बाद देने के लिए व्हाइट स्पॉट के लिए, उसी तरीके से आप इसको भी दे सकते हो बेटा के लिए। फिश में हमें माउथ फंगस भी देखने मिलता है जनरली, यानी बहुत सारे, बहुत कम फिश में देखने मिलता है, बट बेटा फिश में कॉमन डिसीज में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, तो उसको कैसे क्योर करें? माउथ फंगस नॉर्मली फ्लोरन को भी होता है और ऑस्कर को भी होता है, जब वो खाना बंद कर देती है उसके मुंह पे जब छाले आ जाते हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट एक ही रहेगा आप लोगों के लिए, मेथिलीन ब्लू यूज़ कर सकते हैं आप, उसके लिए बेस्ट है। अगर एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप एंटीबायोटिक्स पहले यूज़ कर लीजिए, अगर उससे आपको इलाज नहीं मिलेगा तो आप मेथिलीन ब्लू यूज़ कर दीजिए, तो उससे हीटर लगाना ज़रूरी है उसके लिए। फंगल जो होता है मुँह के अंदर हुआ रहता है, तो फंगल को मारने के लिए आपको हीटर लगाना है, और सेकंड आपको मेथिलीन ब्लू, पहले एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे रिडॉल जेनलेट का, उसके बाद आप मेथिलीन ब्लू यूज़ करें या फिर टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं। ओके, और अरे भाई फिर खाना देना है उस बीच में उसको? देखो क्या होता है कि मुँह ख़राब है इंसान के, मुँह में छाले आएंगे तो इंसान भी खाना नहीं खाता है, वो तो मच्छी है भाई, उसको चबाने नहीं होएगा तो खाना नहीं खाएगी, तो खाना स्टॉप करना है आप लोगों को। ओके, तो और ये ट्रीटमेंट करने के बाद में अगर लग रहा है कि बराबर हो रहा है, फंगस निकल जा रहा है, तो फिर खाना देना चालू करो। देखो बीमारी के दौरान क्या होता है कि अपने लोग को मालूम नहीं पड़ता है मच्छी सही हुई या नहीं हुई है, तो आपको हल्का हल्का दाना डाल के देखना है, अगर आपको डाल के देखना है कि मच्छी खा रही है या नहीं खा रही है, अगर नहीं खा रही तो आपको निकाल के दाना फेंक देना है, या जब तक नहीं रखना है आपको मेल्ट होए तक दाना नहीं रखना है। अगर आपने डाला है सडनली मच्छी आके पकड़ रही, निगल ली, खत्म कर दी, खाना खत्म हो गया, बस फेंक, खुश हो जाओ। अगर नहीं खा ली, अगर नहीं खाई, टाइम हो गया भाई, देखो खाना नहीं खा रही, निकाल के फेंक दो, ओके, नहीं तो वो पानी खराब करेगा, पानी खराब होने के बाद आपकी मच्छियाँ मरना चालू होगी। तो आरी भाई बेटा फिश को इतने डिसीज होते हैं, तो यानी लेने वाला तो ऐसे ही पहले घबरा के लेगा ही नहीं, तो आप यानी उनको क्या सजेशन देना चाहोगे जिससे कि यानी बेटा फिश लवर्स को यानी इतने प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए करके? जैसे व्हाइट स्पॉट वगैरह आता है तो भी आप उसको व्हाइट ब्लू, मेथिलीन ब्लू में डाल के रख सकते हो। बादाम का पत्ता आपको डालना है इस तरह से, आपको रखना है आलमंड लिप का आपको वाटर बना के रखना है, वो ज़रूरी आपके लिए। टाइम टू टाइम पानी चेंज करना, हफ्ते में 3 बार पानी चेंज करने का, 20-30% पानी चेंज करने का, फुल्ली पानी चेंज नहीं करने का, एंटीबायोटिक्स यूज़ करने का, ओके, बाकी कुछ नहीं होता। मेथिलीन ब्लू है, बाकी कुछ नहीं होता, आराम से बेटा पालो, कुछ नहीं होता, बिंदास पालो। एक साइज़ एक लिमिट, 4 इंच से छोटा नहीं चलेगा, बेटा स्ट्रेस में चले जाएगा, कोना पकड़ लेगा, खत्म हो जाएगी कहानी। कम से कम 8 इंच का साइज रहेगा, 10 इंच का साइज, 12 इंच के साइज में आप बेटा पाल लो, बिंदास पल जाएगा। तो आरी भाई हेल्दी बेटा रखने के लिए हमें क्या उसको प्लांटेड में रखना है कि नॉर्मल टैंक में रखना है? नॉर्मल में अगर सिंगल पालते हो तो बेस्ट रहेगा, अगर आप प्लांटेड में रहेगा तो भी अच्छा है। प्लांटेड के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है, जो प्लांटेड का जो पानी जो होता है, ज़्यादा पानी आदमी चेंज नहीं करता है, 20-30% पानी चेंज करता है, वो पानी उसके लिए बेस्ट रहेगा। आप जब भी सिंगल में पालते हो तो भी आपको 20-30% पानी चेंज करना, वीक में आपको 3 बार पानी चेंज करना है, ज़्यादा पानी चेंज नहीं करने का। खाने के अंदर देखिए 2-3 टाइप का खाना डालने का, आप उसको ड्राई में डाल सकते हो, पैलेट्स में डाल सकते हो, ड्राई ब्लड वॉम में डाल सकते हो, अगर लाई में मिलता है लाई में डाल सकते हो, ब्लैक शीप रहेगा ब्लैक शीप बना के डालो, बेस्ट रहेगा। खाने पे ध्यान रखो मच्छी के, जितना मच्छी खाना खाएगी उतना मच्छी हेल्थी रहेगी। सो थैंक यू आरी भाई, बहुत ही अच्छा सा नॉलेज शेयर किया है बेटा फिश के डिसीज एंड ट्रीटमेंट के लिए। आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स हैं अभी बेटा फिश लेने के लिए डरेंगे नहीं, क्योंकि ये उनको डिसीज के बारे में पता चल चुका है और उसको
डिसीज नहीं होने देना है, इसके लिए भी क्या करना है वो भी आपने बता दिया। तो आरिफ भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा सा नॉलेज शेयर किया है। अगर किसी को वो प्रीवियस वीडियो देखना है कि बेटा फिश की केयर कैसे ले, तो ऊपर में लिंक दिए, वहाँ से भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच। ओके आरिफ भाई, बाय बाय। ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।